भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। रामा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राय साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राय साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। रामा साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। चढ़ चढ़ के हिस्सा लो, कुछ भी हो इसका सीट नंबर से सो दे इस पकड़ पर पकड़ से संभव जो हमारी आज बैठक थी ये हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम की थी, इसमें हमारे मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम थी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे जावेद साहब थे, गुलजार साहब थे, शिविर साहब थे और हमारे एजाज साहब थे और हमारे मोर्चों के प्रेसिडेंट थे शौकत साहब था, जावेद साहब था और गुलाम अहमद हजाम साहब था और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट थे। ये डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग आज हमारी थी डिस्ट्रिक्ट टीम की। इसका मकसद ये था कि हमारा आज यहाँ प्रोग्राम ये था कि वर्कशॉप हमारा आज था, यहाँ वर्कशॉप ये था कि मतलब आगे आगे हमें क्या करना है। आज ट्रेनिंग का प्रोग्राम था क्योंकि जो वोट नए चढ़ाने हैं उसके लिए आज मीटिंग थी, कुछ वोट डिलीट करने हैं कुछ चढ़ाने हैं उसी के बारे में आज। कल हमारी मीटिंग है 22 तारीख को और 24 को हमने रखी है, 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह ये मीटिंग हो जाएगी कल से, और ख़ासकर 24 और 25 को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, खासकर डिस्ट्रिक्ट में और कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा कि घर घर हम जाएंगे। ये कि लोगों को अब नज़दीक अब हमारे इलेक्शन आने वाले हैं, इसमें हमारे म्यूनसिपलिटी के वार्ड जो हैं कुपवाड़ा में 13 हैं, लिंगेट में 13 हैं, हंदवाड़ा में 13 हैं, हर जगह हमारे कैंडिडेट होंगे और इंशाल्लाह मजबूत कैंडिडेट हमारे होंगे। पिछला जो था वो ख़त्म हो गया, आज जो हमारे पास कैंडिडेट है वो इंशाल्लाह जीतेंगे और हमारा चेयरमैन भी होगा और उसके बाद सरपंच के इलेक्शन है, डीडीसी बीडीसी के भी, उसमें भी हम हर जगह हिस्सा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी इस साल बढ़ चढ़ कर हिसाब हर साल लेते हैं, इस साल ज़्यादा ये लेगी कि हर जगह हमारे सरपंच होंगे, पंच होंगे और डीडीसी हमारे होंगे और इंशाल्लाह चेयरमैन हमारे होंगे। इसी के बारे में आज हमारी मीटिंग थी। आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान का माहौल यहाँ पे है और जिस तरीके से खासकर गरीब आवाम जिनको वज़ीर आज़म ही नरेंद्र मोदी जी की वजह से फ़ायदा मिल रहा है कई स्कीमों का जो हमें 70 सालों से नहीं मिला था, आज खासकर मैं ज़िले कुपवाड़ा की बात करूँ, ज़िले कुपवाड़ा में चाहे म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन हो या पंचायत राज एक्ट का इलेक्शन हो, इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लेगी और जीत कर आ जाएगी। चेयरमैन कौन होगा अगर हम लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या फिर अनवारा या फिर कुपवाड़ा? भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन होगा। आप ये यकीन मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज हर एक के दिल में बस रही है।